वेलकम टू माय चैनल मोबाइल माइनिंग। हमारे मोबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बारे में पूरी डिटेल से इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट 2019-20 जो कुछ ही दिन पहले NCL ने जारी किया है उसको हम लोग डिटेल्स में तो नहीं, फिर भी जो भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी 8 नवंबर 2020 को माइनिंग सरदार का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है तो उसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट हो सकते थे वो सभी फैक्ट्स को मैं कलेक्ट करके इस वीडियो में आप लोग के लिए लाया हुआ हूँ। तो शायद यदि एग्ज़ाम में जो NCL से रिलेटेड कुछ भी यदि पूछा गया तो इस वीडियो से बाहर का तो श्योर है कि नहीं ही पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो NCL है वो एक मिनी रत्न कंपनी है और ये एक कोल इंडिया का सब्सिडरी है। साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट MP में है। अब हम लोग इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 29/6/2020 तक का ये डाटा है और अभी करंट में भी ये CMD चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं PK सिन्हा यानी प्रभात कुमार सिन्हा जी हैं। और साथ ही पिछला बार का जो SECL का एग्ज़ाम था वो डायरेक्टर पर्सनल पूछा भी गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इसके डायरेक्टर्स हैं यहाँ सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि इसका फाउंडेशन जो हुआ था 28 नवंबर 1985 को हुआ था और मिनी रत्न का स्टेटस जो है सो 2007 में मिला था। हेडक्वार्टर आप लोग को तो पता ही है। इसके बाद इसमें जो NCL जो है इसका कोलफील्ड्स एक ही कोलफील्ड्स है, सिंगरौली कोलफील्ड्स। और जो NCL का कोयला है ये दो स्टेट में फैला हुआ है, MP यानी मध्य प्रदेश और UP उत्तर प्रदेश में। और इसका कोयला जो है रिवर बेसिन ये सोन नदी के किनारे में इसका कोयला का फॉर्मेशन हुआ है और ये गोंडवाना कोल रिजर्व में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट प्रोडक्शन जो 19-20 का था वो 106.25 मिलियन टन का था और OBR ओवरबर्डन रिमूवल था 362 मिलियन क्यूबिक मीटर। लेकिन इन्होंने अचीव किया 1920 में, टारगेट को पार किया, 108.05 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन किया। और साथ ही साथ OB रिमूवल जो है ये 323 OB रिमूवल को इन्होंने अपना जो टारगेट अचीव नहीं कर पाया। और 2020-21 का जो टारगेट है कोल का 113.25 मिलियन टन का टारगेट रखा है NCL ने। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं NCL के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं इसका सर्टिफिकेट के बारे में, तो इसको बताना जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक पिक दिया हुआ है कि NCL का जो माइंस है किस किस एरिया में फैला हुआ है या पूरा लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो NCL है टोटल 2202 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पे दो बेसिन है NCL में, एक मोहर सब बेसिन है जिसमें 312 स्क्वायर किलोमीटर और एक मेन बेसिन है जिसमें 1890 स्क्वायर किलोमीटर, ये दोनों मिलाकर के 2202 स्क्वायर किलोमीटर में NCL का कोयला जो है सो फैला हुआ है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्च 2019 का डाटा है 10.06 बिलियन टन टोटल कोल रिजर्व जो है मार्च 2019 तक जो GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया जो सर्वे करती है और कोयला पता लगाती कहाँ पे, तो ये 10.06 बिलियन टन कोयल का रिजर्व है NCL में और ये दोनों बेसिन में कितना कितना यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है कंपैरिजन के साथ में दिया हुआ है कि 2019 में कितना प्रोडक्शन किया था और इस साल 2019-20 में कितना किया है और कितने का ग्रोथ किया हुआ है NCL ने एक फिस्कल ईयर एक फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पे जो लोकेशन है मेन बेसिन और मोयर बेसिन का ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है लोकेशन के साथ में, तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो NCL में किस किस मशीनों के द्वारा या फिर किन किन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कोयला का उत्पादन करती है, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में चाहे तो आप पॉज करके पूरे इसको आप पढ़ सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। सोवेल डंपर सिस्टम है, यहाँ पे ड्रैगलाइन सिस्टम है, सरफेस माइनर भी है, मैं आगे वीडियो में दिखा दूंगा। अभी करेंट में कितने सारे इक्विपमेंट जो हेम हैं सारे काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलेटेड है उसको लेकर भी NCL अच्छे से काम कर रही है। आगे है वर्कशॉप्स, NCL में वर्कशॉप्स हैं, सेंट्रल वर्कशॉप्स हैं, एडवांस ब्लास्टिंग सिस्टम है, क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर है,
एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम ये सभी हैं। तो ये सब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट और देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। फिर है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, यानी कोल हैंडलिंग प्लांट हो गया, वर्कफोर्स हो गया, बेल्ट पाइप कन्वेयर हो गया, और जो रेलवे ट्रैक कनेक्टिंग है, रेलवे ट्रैक भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन, एडवांस रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है, ये सभी एडवांस टेक्नोलॉजी NCL के पास है। अब हम लोग आगे देखते हैं NCL के माइंस के बारे में। NCL में टोटल 10 एरियाज हैं टोटल, और हर एक एरिया में एक ही माइंस है, और दो यहाँ पे यूनिट्स हैं इसके जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले माइंस के बारे में देखते हैं। जो पहला माइंस है अमलोरी प्रोजेक्ट है, ब्लॉक बी प्रोजेक्ट है, बीना प्रोजेक्ट है, फिर आगे हो गया सेंट्रल वर्कशॉप, यानी ये इसका माइंस नहीं है, ये इसका एक स्पेशल यूनिट के अंदर आता है। फिर हो गया दूधी चुआ प्रोजेक्ट जो हो गया, फिर आगे है आपका यहाँ पे जयंत प्रोजेक्ट, फिर आगे देख सकते हैं झिंगुर्दा प्रोजेक्ट, जो झिंगुर्दा प्रोजेक्ट है यहीं पे झिंगुर्दा थिकेस्ट कोल सीम पाया जाता है, जो कि इंडिया का सबसे ही थिकेस्ट कोल सीम है। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं काकरी प्रोजेक्ट हो गया, खाडला प्रोजेक्ट हो गया, और कृष्णशिला प्रोजेक्ट, निगाही प्रोजेक्ट, और अंत में नेहरू शताब्दी हॉस्पिटल। ये जो दो यूनिट है, नेहरू शताब्दी हॉस्पिटल और एक पीछे था जो यहाँ पे सेंट्रल वर्कशॉप था, ये दोनों जो है सो ये माइंस नहीं है, इसका यूनिट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे एनुअल रिटर्न 2019-20 का डाटा के साथ में दिया हुआ है कि इन्होंने कितना प्रोडक्शन किया और यहाँ पे कितना टारगेट था 19-20 का, साथ ही साथ ग्रोथ रेट क्या रहा है, यहाँ पे आप पूरी डिटेल के साथ में आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आप इसको खुद से पढ़ लो या नोट डाउन कर लो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो NCL ने ग्राफ दिया हुआ है किस तरह से ग्रोथ किया है प्रत्येक साल कोल प्रोडक्शन को लेकर के, जो कि ग्रोथ है अच्छा, काफ़ी ग्रोथ है NCL का, और ओवी रिमूवल को लेकर के यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ है, चूँकि लॉकडाउन की वजह से जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हो पाया, पर अच्छा ही है, दूसरे कंपनियों के अलावा तो यहाँ पे बेहतर ही है। और यहाँ पे ऑफटेक जो रहा है वो भी इसका ग्राफ अच्छा ही बढ़ा है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो OMS यानी कि आउटपुट पर मैन शिफ्ट का जो है NCL का, वो आप देख सकते हो 24.03 का है, मतलब काफ़ी अच्छा OMS है NCL का। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो सेल्स यानी कि बेनिफिट को लेकर के यहाँ पे NCL को काफ़ी फायदा होता है, प्रत्येक साल इसका ग्राफ लगभग बढ़ता ही गया है, यहाँ पे भी आप प्रॉफिट को देख सकते हो। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो NCL में ओपन कास्ट माइंस में जो हेम है कितने अभी इक्विप्ड है, मतलब कितने वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का, ये है टोटल जो हेम की पॉपुलेशन है, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, ये एनुअल रिपोर्ट 2019-20 का डाटा दिया हुआ है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस ऑफ मेजर हेम, जो भी मेजर हेम है, हेवी अर्थ मूविंग मशीन, उसकी परफॉर्मेंस का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, कितना यूटिलाइजेशन हुआ और कितने इन्होंने प्रोडक्शन किया, वो सारे यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं इक्विपमेंट के साथ में, तो इसे आप भी नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ नए HEMM जो हैं सो कुछ मतलब प्रोजेक्ट में नए भी इंस्टॉल किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो यहाँ पे आप उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी मॉडल के साथ में, कैपेसिटी के साथ में, यहाँ पे सारी HMM का डिटेल्स दिया हुआ है। फिर आगे यहाँ पे सप्लाई जो यानी कि 19-20 में जो सप्लाई के लिए ऑर्डर किया गया है कौन कौन से इक्विपमेंट का, कौन कौन से HEMM का, वो भी डिटेल्स इस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे है जो भी 2021 का जो टारगेट है HEMM का, मतलब कि डिमांड जो किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पे दी हुई, और कहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जाएगा, बैठाया गया, टोटल यहाँ पे माइंस के साथ में डिटेल्स दी हुई है, तो इसको भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो गया है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, NCL का जो प्रोजेक्ट है कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसकी भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, तो इसको भी आप चाहो तो पॉइंट डाउन कर सकते हो। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है सो यहाँ पे राइट साइड में इधर आप यहाँ पे देख
सकते हो, अजयंत हो गया, दुधी चूहा ब्लॉक बी एक्सपेंशन हो गया, तो ये सभी यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आगे है नॉन माइनिंग से रिलेटेड जो है सो ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो एनसीएल ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी जो नौकरियां निकालती है, फिर जो मैन पावर है एनसीएल के पास वो कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो मेन पावर है नीचे 14,456, ये 2019 का था, पर अभी 31 मार्च 2020 के डाटा के अनुसार 14,382 मेन पावर है। यहाँ पे डिटेल्स में दिए हुए हैं एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर और क्लर्कल स्टाफ ETC इत्यादि, तो इसको भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे रिक्रूटमेंट की भी बात करता है एनसीएल, एनसीएल जो है सो 134 व्यक्तियों को डायरेक्ट मोड से रिक्रूटमेंट दे रहा है। फिर टैलेंट डेवलपमेंट भी करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है सो योजना कुछ है एनसीएल की ओर से, इसको चाहो तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं इसको नहीं पढ़ने वाला। फिर नीचे सिमुलेटर ट्रेनिंग दी जाती है एनसीएल में, मतलब कि जो है सो एक छोटा सा कैबिन होता है जहाँ पे आप डंपर वगैरह के जो ड्राइविंग ट्रेनिंग है वो आप एक कैबिन में बैठ करके कर सकते हैं, जिसे सिमुलेटर ट्रेनिंग कहा जाता है। फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है वो भी एनसीएल करवाती है। इसके बाद आगे हमारा यहाँ पे देख सकते हो कितने कैंडिडेट ने 2019-20 में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया और वो ये सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर आगे है स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग स्टैटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने लोग बाहर से भी आके यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब्रॉड लिखा हुआ है, तो ये 17 बाहर का है। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग भी है, और आगे हम लोग जाते हैं टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की ओर। तो यहाँ पे जो है सो एनसीएल ने बताया है, देखिए कोल प्रोडक्शन से रिलेटेड भी यहाँ पे कहा है 108.05 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन है, ओवर बर्डन रिमूवल है। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मशीनरी, लार्ज कैपेसिटी सरफेस माइनर है, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स है, GPS है, बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस है, ये सभी टेक्नोलॉजी एनसीएल में इंस्टॉल्ड हैं। और यहाँ पे आप एक पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीएल और IIT BHU जो है ये दोनों मिल करके एक जॉइंट वेंचर बोल सकते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर ने स्थापित किया है। कहाँ पे है ये सेंटर? BHU में है, नाम है एनसीएल IIT BHU इंक्यूबेशन सेंटर। फिर आगे हम लोग देखते हैं IT इनिशिएटिव, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या क्या करती है, जैसे GPS हो गया, कोल नेट हो गया, मतलब ऑनलाइन सारी जो भी इसके काम होते हैं कोल नेट के द्वारा होता है। फिर आगे यहाँ पे GPS, OIDS ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम, मतलब फ्रीली वो अपना GPS के द्वारा गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग हो गया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हो गया। फिर आप देख सकते हो इसके रिवॉर्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जो भी एनसीएल को रिवॉर्ड मिला है, तो यहाँ पे 19th एनुअल ग्रीनविच इन्वायरमेंट रिवॉर्ड मिला है 2019 में मेटलो माइनिंग सेक्टर में। फिर स्कोप कॉरपोरेट से मिला है। फिर आगे है आपका यहाँ पे टून एंड ब्रैड स्ट्रीट अवार्ड मिला है माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन को लेकर। फिर एक PK सिन्हा यानी जो CMD अभी करंट में, उनको भी एक अवार्ड दिया गया है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एक्सलेंस अवार्ड टू CMD। इसके बाद फिर मिनी रत्न ऑफ द ईयर भी दिया गया है इसको 2019-20 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। फिर जो CSR होता है उसमें भी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। फिर अपेक्स इंडिया को पर्सनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड दिया है झिंगुर्दा एरिया को। फिर फर्स्ट प्राइज इन कॉरपोरेट परफॉर्मेंस जो भी है यहाँ पे। इसके बाद आगे आप देख लो नेशनल सेफ्टी अवार्ड भी दिया गया 2015-16 में दिया गया था, बीइंग एक्सीडेंट फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, मतलब कि बहुत ही लंबे समय से वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इस बार जो भी एक्सीडेंट हुआ उसकी भी बात करेंगे हम लोग आगे वीडियो में। तो फिर आप देख सकते हैं ETNO अवार्ड दिया गया लाइवलीहुड के लिए। फिर आगे हम लोग बात करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, पोल्यूशन को लेकर एनसीएल क्या क्या कदम उठा रही है। तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स है, मतलब अपने से पानी का छिड़काव होगा, ऐसी सुविधाएं, फिक्स्ड स्प्रिंकलर्स हो गया, डस्ट साइक्लोन्स, ऑल द कोल हैंडलिंग प्लांट्स जो है सो सभी डस्ट एमिशन आउट, मतलब कि जो डस्ट के एरिया से बाहर है, ड्रिल्स आर प्रोवाइडेड विद डस्ट एक्सट्रैक्टर्स, ड्रिल जो भी है उसमें सारे डस्ट को मारने वाला है। अप्रोच रोड्स, माइंस आर सर्विस रोड्स आर प्रोवाइडेड विद द ब्लैक टोपिंग टू रिड्यूस डस्ट जनरेशन, डस्ट को कम करने के लिए सारे, मतलब जो भी कर सकते हो कि मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर्स हो गया, थी ग्रीन
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं एनसीएल के द्वारा, तो उतनी डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, पर आप यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो, अभी चाहो तो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, इसको मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो आप आपकी जो एक यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर को लेकर के भी एनसीएल काम करती है। फिर सेफ्टी, यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सीडेंट हुआ है करेंट ईयर 2019 का और 18 का इन्होंने कंपैरिजन किया है, टोटल जो फटल एक्सीडेंट हुआ है 2019 में वो दो है और 2018 में तीन हुआ था, और टोटल फटेलिटीज़ दो और तीन है, मतलब 2018 का और 2000 मतलब कम ही हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डाटा यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ को लेकर के जो एम्प्लॉय होते हैं एनसीएल के उसके लिए क्या क्या करती है। तो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है यहाँ पे क्वार्टर जो एनसीएल की ओर से बनाए गए हैं। फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी जाती है जो भी एम्प्लॉय होते हैं। इसके बाद इसका अगला जो प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट टू गिवन हायर एजुकेशन को लेकर के भी ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ट्यूशन हॉस्टल इत्यादि का भी व्यवस्था करवाते हैं, जो CIL स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है। फिर आगे चिल्ड्रन पार्क गार्डन, चिल्ड्रन के लिए एक पार्क गार्डन की भी यहाँ NCL ने बना के रखा हुआ है। फिर यहाँ पे आप एक फ़ोटो भी देख सकते हो। इसके बाद जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी साथ साथ देती है, जैसे बच्चों के लिए और जो भी वर्कर्स क्लब होते हैं उन लोगों के लिए। फिर एथलेटिक्स एकेडमी भी है, जो भी अगर यदि खेल से रिलेटेड यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो वे लोग भी यहाँ पे भाग लेके आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने एक एकेडमी भी बना के रखा हुआ है जयंत एरिया में। फिर आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर कम्युनिटी फैसिलिटी को लेकर के भी क्या क्या करती है। यहाँ पे दो मल्टीपर्पज़ फैसिलिटी दिया हुआ है, जो विवाह सह कल्याण मंडप, मतलब यदि विवाह विवाह जो करते हैं लोग तो वहाँ पे इस भवन में जाके विवाह कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रोड्स, जो अभी जो इन्होंने कौन कौन से अभियान चलाए हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। गांव जोड़ो अभियान हो गया, दूसरा है आधार जोड़ो लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। फिर आगे यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पिक्स दिए हुए थे सारे, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर दूसरा है वाटर सप्लाई, जिसको स्वच्छ जल नाम दिया है NCL ने। फिर अगला इसका जो प्रोजेक्ट है वो है आपका स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कौशल, NCL ने नाम दिया है कौशल स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। फिर आगे है हेल्थ, यानी जिसको सब स्वस्थ नाम दिया हुआ है NCL की ओर से, और इसी के तहत NCL ने जो भी COVID-19 को देखते हुए अच्छा प्रिकॉशन लेते हुए काम किया है सब स्वस्थ को लेकर के। फिर आगे इसका प्रोजेक्ट है स्पोर्ट्स एंड आर्ट कल्चरल, यानी खेल तरंग, जो खेल तरंग है NCL का एक अच्छा ही योजना या फिर प्रोजेक्ट आप कह सकते हो। ये खेल तरंग की ये कुछ पिक्स यहाँ पे दी हुई है। फिर आगे है एजुकेशन सब साक्षर, NCL का कहना है कि सभी लोग साक्षर हों जो भी उनसे रिलेटेड हैं। फिर इनकी अगली आगे क्या है कि कंपोजिशन ऑफ द CSR कमिटी से रिलेटेड जो भी लोग हैं, चेयरमैन है, उनका सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है NCL की ओर से। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेट लीज़ लाइन, इंटरनेट से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छा इनका टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क सिक्योरिटी अच्छी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पे होती है डायरेक्ट NCL हेडक्वार्टर से। यहाँ पे आप पिक से समझ सकते हो कि जो वाइस चेयरमैन सेटअप एट NCL, यानी यहाँ से आप CIL NIC जो भी NCL का सारा एरियाज है डायरेक्ट ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे को। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो 19-20 में जो इम्पोर्टेंट मनाया गया त्यौहार या फिर जो बोल सकते हैं इसे जो इम्पोर्टेंट मतलब डे है वो दिवस है वो मनाया गया, रिपब्लिक डे हो गया, इंटरनेशनल वुमेंस डे हो गया, जो कि 2018 का NCL का एग्ज़ाम में पूछा गया था 8 मार्च 2020 को इन्होंने मनाया। फिर अंबेडकर जयंती हो गया, मैं दिवस 1 में हो गया, यानी कि ये श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर एंटी टेररिज्म दिवस, और एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिवस है वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है, 31 मई 2019 को मनाया गया, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप इस सबको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे एक देख सकते हैं कोल इंडिया फाउंडेशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोल इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1975 को हुआ था, तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ NCL का फॉर्मेशन कब हुआ था, 28 नवंबर 1985 को, तो उसको भी देखते हुए ये लोग फाउंडेशन डे मनाते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है।
और साथ ही अंत में बस इतना सा ही था। तो चलिए, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी कर दो और दोस्तों को भी बता। साथ ही साथ यदि आप लोग इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप इंस्टा मोजो के प्रोफाइल में जा करके यहाँ से वीडियो का PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।